76 क्वेश्चन, अ बोट गोज 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, क्वेश्चन समझो, फील करो क्वेश्चन को, मान लो ये बोट है, ठीक है, ये कोई नदी है, कोई नदी है, देखो कोई नदी है, ये मान लो कोई नदी है, ये कोई नदी है, और इस तरफ को बह रही है, किस तरफ को बह रही है, इस तरफ को बह रही नदी, यहाँ को, यहाँ को, इस तरफ को बह रही नदी। तो बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। देखो अब बोट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं कि एक बोट है वो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि विपरीत, ठीक है, विपरीत, एक नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। मतलब बोट कहाँ को चल रही है, यहाँ को चल रही है, बोट कहाँ को चल रही है, इस तरफ को, इस तरफ को चल रही बोट, ठीक है, बोट चल रही इस तरफ को, ठीक है, उल्टी दिशा को, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। और जब बोट पानी के बहाव के साथ चलती है, मतलब बोट जब इस तरफ को चलती है तो क्या करती है बोट, 6 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है। तो ये बोल रहे हैं कि जब स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में क्या होगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो तो आपको क्या निकालना पड़ेगी, स्पीड निकालो, पहले स्पीड निकालो, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, मैंने पहले पहले लक्ष्य लिखे स्पीड का एक ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। देखो तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड क्या होती है बोट की अपस्ट्रीम में क्या होगी, इक्वेशन के हिसाब से होगी, स्पीड क्या होती है आपकी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर कवर किया, टाइम कितने में किया इसने 8 घंटे में किया, तो 8 × 5 = 40, तो क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। और जब इसने, जब स्पीड क्या है इसकी डाउनस्ट्रीम में, स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम में, डिस्टेंस कितना है इसका डाउनस्ट्रीम में, इसने 36 किलोमीटर किया, और कितने टाइम में किया 6 आवर में किया, 6 × 6 = 36, तो आगे 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, नॉर्मल वाटर में, बोट इन स्टिल वाटर कितनी चलेगी, तो एवरेज निकाल दो इसका, इसका एवरेज निकाल दो, कुछ नहीं करना, इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालो, प्लस करो उसका 6 + 5, ठीक है, डिवाइड, दो दो है तो दो से कर दो, दोनों एक दो संख्या है तो दो से कर दो, ठीक है, तो 5 × 11 = 2, तो 5.5 किलोमीटर पर आवर, 5.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं किया, एवरेज निकाला हमने, स्पीड निकाली दोनों की और तब एवरेज निकाल दिया, तो 5.5 किलोमीटर, सी आंसर इसका, ठीक है, सी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो क्या बोल रहा है कि एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल शोन इन द फिगर, बताओ इसका एरिया। देखो सीधी बात, नो बकवास, कुछ नहीं है, देखो ये वाली जो है ये 6 सेंटीमीटर दी है, कितने दिया 6 सेंटीमीटर दी है, ये हमारे पास दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आपके पास यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये, ये देखो दो ट्राइंगल बनते हैं, दो ट्राइंगल बन रहा है इसमें, ठीक है, तो पहले एक एरिया ऑफ एक ट्राइंगल निकालो, तब दूसरा एरिया का ट्राइंगल निकालो। और आपको पता है कि एरिया का ट्राइंगल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है तो जनरल फार्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो 1/2 पहले आप इस वाले ट्राइंगल का निकाल दो, इस वाले ट्राइंगल का निकालो, इसका बेस कितना है 6 और इसकी हाइट कितनी है 3, हाइट होती है इसमें ये वाली हाइट, हाइट ठीक है, 3 तो 6 × 18 = 9, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे का 1/2 बेस इसका भी कितना है, बेस सेम है 6 इंटू हाइट कितनी है 5, 5 × 30 / 2 = 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है।
अब इसका पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, इसका प्लस और इसका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का एरिया किसका, इसका प्लस इसका हो जाएगा, दोनों को ट्राइंगल का प्लस कर देंगे तो 9 + 15 करोगे कितना बनेगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इतना इजी क्वेश्चन था बस, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर ए आंसर, ठीक है ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 78 क्वेश्चन। द फिगर द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 m³ एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 cm, 140 cm क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं, हाइट निकालने को बोल रहे हैं, किसकी हाइट निकालने को बोल रहे हैं, ऐसे सिलेंडर की निकालने को बोल रहे हैं जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 1.454 m³ एंड उसका डायमीटर बोला है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसे होता है सिलेंडर, तो इसका डायमीटर बोला है 140 cm, ठीक है ठीक है। तो हमें पहला क्या पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर 140 cm दिया है, 140 ठीक है सेंटीमीटर दिया है। अब हमें इसे रेडियस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में आपको पता है कि रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि रेडियस होता है आधा, तो 140 / 2 आ गया 70। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो वॉल्यूम दिया है वो मीटर में दिया है, ठीक है, और बेस आपको सेंटीमीटर में दिया, तो उसको मीटर में चेंज कर दो रेडियस को, तो 70 आया रेडियस आपका, तो उसको मीटर में चेंज कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो मीटर में चेंज हो गया, रेडियस आ गया, ठीक है आ गया, तो हमारे पास आ गया जो हमारे पास आना था अभी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आ गया जो था जो हम निकाल सकते थे क्वेश्चन से। अब आपको वॉल्यूम पता है, आपको कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और क्वेश्चन में कितना दिया आपका वॉल्यूम, क्वेश्चन में दिया है 154। कंपेयर करो इन दोनों को, ठीक है, कंपेयर नहीं सॉरी इसको फॉर्मूले में पुट करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना दिया है 7.10, क्योंकि 0 से 0 काट दो 7.10 आ जाएगा इधर का स्क्वेयर इंटू हाइट, हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी, हाइट तो हमें निकालनी है 1.54। अब देखो हाइट को इधर ही रखो और सब कुछ परे ले जाओ, 1.54 ठीक है, 1.54 सब कुछ परे ले जाओ तो बन गया 7/22, उल्टा हो जाएगा, ठीक है 10/7, 10/7 क्योंकि इसे आप जब उल्टा ऊपर ले जाओगे, चलो इस तरह से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसे नीचे ही ले आता हूँ, इसके अगर आप कंफ्यूज होंगे इस तरीके से तो मैं कैसे करता हूँ इसे, मैं इसे मिटा ही देता हूँ वाले को, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ इसे, ये हमारे पास है ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वन एच को इधर रख दो, 1.54 इसे डिवाइड में ले जाओ, 22/7 इंटू 7/10 का क्यूब, ये आ गया, अब इसे भी मिटा देते हैं, ठीक है इसे भी मिटा देते हैं, तो एच ये आ गया 1, ठीक है 1.54, इसका 100 निकाल दो, इस नीचे आ जाएगा 100, ठीक है 100, 22 × 22 सात ऊपर चले गया इसका, ठीक है, और 7 × 7 और इसके 10 × 10 ऊपर चले गए, ठीक है 10 चले गए ऊपर, ठीक है। अब देखो काट क्या सकता है, 7 से 7 कट सकता है, इस 0 से A0 दोनों 0 कट गई, ठीक है कट गया, ये 1 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 7 इस 7 से 1 7 कट गया, ये कट गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्या आया, 22/7 154 होते हैं, ठीक है 22/7 154 होते हैं, और क्या होता है और क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा, 22/7 154 सात, तो ये बच गया 7 1 7 बच गया 7 से 7 1, तो क्या आ गया आपका आंसर क्या आ गया, हाइट कितनी आ गई 1 m, हाइट कितनी आ गई 1 मीटर, सब कुछ कट गया, हाइट आ गई 1 मीटर, 1 मीटर सी डी आंसर, ठीक है डी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
एक टू की पावर टू एक्स माइनस वन और इक्वल टू एट की पावर थ्री माइनस एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है हमें, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो टू की पावर टू एक्स माइनस वन ठीक है इक्वल टू, अब आप आठ को कैसे लिख सकते हैं, आठ को लिख सकते हैं हम दो की पावर तीन, क्योंकि दो की दो दून चार, चार दून आठ, दो की पावर तीन ठीक है इंटू थ्री माइनस एक्स, इस तरीके से लिख दिया थ्री माइनस एक्स, इस टू से ए टू काट दिया, मतलब कंपेयर कर दो काट दो जो भी होता है, टू की पावर एक्स माइनस वन थ्री की पावर थ्री माइनस एक्स, सॉरी थ्री थ्री इंटू थ्री माइनस एक्स, अब क्या होता है टू एक्स माइनस वन तीन तम नौ थ्री एक्स, इस थ्री एक्स को इधर ले आइए तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स, इसको उधर ले जाइए तो नौ प्लस एक, तो ये आ गया फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन, तो आ जाता है आपका एक्स इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाय फाइव, पाँच दस एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास टू ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है टू, एक्स की वैल्यू आ रही है आपके पास टू सी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अस्सी, देखो ये क्या बोल रहा है कि दिनेश ठीक है हैज़ अ फ्यू फाइव रुपीज़ एंड टू रुपीज़ कॉइन एंड द टोटल वैल्यू एंड द टोटल वैल्यू ऑफ इज द टोटल वैल्यू इज़ एटीन रुपीज़ द नंबर ऑफ टू रुपीज़ कॉइन्स एंड है दैट दिनेश हैज़, तो क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है दिनेश है जो, दिनेश है जो, दिनेश है जो, इसके पास क्या है पाँच रुपए के और दो रुपए के कॉइन है, पाँच रुपए और दो रुपए के कॉइन है और टोटल अठारह रुपए है इसके पास, टोटल कितना अठारह रुपए है इसके पास, अभी बोल रहा है कि इसके पास पाँच और दो रुपए कितने सिक्के हैं, देखो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, अगर आप पाँच को एक सिक्का लेते हो और दो के आपको कितने लेने पड़ेंगे, दो के लेने पड़ेंगे आपको पाँच माइनस अठारह कर दो तो आ गया तेरह, तो तेरह रुपये के तो आप कोई सिक्के बना नहीं पाओगे, आपके पास एक रुपये वैसे ही बच जाएगा, तो मतलब ये पाँच रुपये का एक सिक्का नहीं होता, तो पाँच रुपये के दो सिक्के ले लो, पाँच रुपये के दो सिक्के ले लो, ये बन गया पाँच दूना दस, ये बन गया दस ठीक है, और दो रुपये के कितने लोगे चार सिक्के ले लो, तो ये बन गया दो चौके आठ, तो मतलब दस और आठ अठारह, अठारह रुपये बन रहे, मतलब पाँच रुपये के दो सिक्के हैं उसके पास और दस चार रुपये के दो रुपये के चार सिक्के हैं, तो टोटल कितने सिक्के हो उसके पास, दो रुपये के चार और पाँच रुपये के दो, तो छः सिक्के हो टोटल, तो आंसर है इसका छः, डी आंसर है इसका ठीक है, डी आंसर है कि टोटल कितने सिक्के उसके पास, जब उसके पास पाँच रुपये के, जब उसके पास पाँच रुपये के दो सिक्के होंगे, जब उसके पास पाँच रुपये के दो सिक्के होंगे, पाँच दूना दस और चार रुपये के दो रुपये के चार सिक्के होंगे, तो तब अठारह बन जाएगा, अठारह बन जाएगा, तो चार दो छः सिक्के हैं उसके पास टोटल, कितने हैं छः सिक्के हैं टोटल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है 81, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ एम अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन कितना है 16 है, तो एम 16 और अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन आपके पास 8 है, तो फाइंड करो वैल्यू एम डिवाइड बाय एन की, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, जब पहले क्या करोगे, पहले आप एम और एन की वैल्यू निकालोगे, तो देखो अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इक्वल टू 16 और अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 8, तो क्या है इनको पहले प्लस करो, दोनों को प्लस कर दो, तो यह जाएगा टू अंडर रूट एम ठीक है, ये हो जाएंगे प्लस जमा माइनस माइनस ठीक है, क्योंकि ये माइनस है जमा है तो माइनस हो गया, तो एक जीरो हो जाएंगे दोनों ही आपस में, दोनों ही आपस में जीरो हो जाएंगे तो कट जाएंगे ठीक है, कट जाएंगे तो यहीं ख़त्म हो गए ठीक है, और ये बच गया ये प्लस होंगे तो ये हो गए चौबीस, चौबीस तो अंडर रूट एम चौबीस डिवाइड बाय टू इसको बारह, तो अंडर रूट एम कितना आ गया बारह आ गया आपका अंडर रूट एम, और जब आप एम की वैल्यू निकालोगे तो आप एम की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो कितनी आएगी, एम की वैल्यू कितनी आएगी दोनों तरफ स्क्वायर लो तो यहाँ भी और बारह पे भी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये कट जाएगा इससे, तो एम की वैल्यू जाएगी आपके पास 144,
एम की वैल्यू हो जाएगी 144 और अंडर रूट एम की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, इसे नोट कर लो एम की अंडर रूट एम की वैल्यू कितनी आई थी 12 और एम की वैल्यू कितनी आई थी 144। अब इसे इक्वेशन में डाल दो, इसे इस इक्वेशन में डाल दो अंडर रूट एम, जो भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 8 वाली इक्वेशन में डाल दो तो अंडर रूट एम आ गया 12 माइनस अंडर रूट एन 8। ठीक है, 8 तो याद आएगा आपका, माइनस अंडर रूट एन 8 माइनस 12 माइनस अंडर रूट एन याद आएगा माइनस 4, इससे कट गया तो एन की वैल्यू अंडर रूट एन की वैल्यू आ गई 4, अंडर रूट एन की वैल्यू आ गई 4 और जो एन की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 16, एन की वैल्यू आ गई 16, एम की वैल्यू आ गई 144। हमारे को बोला है निकालने को एम डिवाइड बाय एन, तो एम डिवाइड बाय एन निकालने को बोला, तो एम की वैल्यू डाल दो 144, एन की वैल्यू डाल दो 16 और 16 नए कितने होते हैं 144, 16 नए होते हैं 144, 9 आंसर आ गया आपका, 9 आंसर आ गया आपका, 9 बी आंसर आ गया आपका, कितना आ गया बी आंसर आ गया आपका, कितना आ गया बी आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द 80% ऑफ नंबर हुज 200% इज 90। देखो किसी का 200% 90 है तो उसका 100% कितना होगा, आधा होगा, 100% कितना होगा, आधा होगा। तो जिसका 2% 90 है तो उसका 100% कितना है, उसका 100% कितना है, उसका 100% होगा 45, आधा 45, सिंपल सी बात। तो व्हाट विल बी द 80% ऑफ अ नंबर, उस नंबर का 80% कितना होगा ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 80% ऑफ 45 हमें निकालना है, 80% ऑफ 45 निकालना हमें, तो 80/100% का 100 लगा दिया, डिवाइड कर दिया नीचे गुना 45। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट दी, 5 × 10 और 5 × 9 = 45, 5 × 10 5 × 9 = 45, 9 × 2 = 8, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 9, 9 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, तो कितना आ गया 36, उसका 80% कितना है 36 है उसका 80%, सी आंसर 36, 82 का है सी आंसर क्या 36। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, टू साइड ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। देखो आपको पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको पैरामीटर का, ट्राइंगल के जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जो ये साइड और ये साइड है ये सम करके इनका टोटल कितना होता है। ठीक है, इनका या मतलब इनकी दूरी कितनी होती है। ठीक है, ये होता है। तो अगर हमारे पास पैरामीटर साइड वन, मान लो साइड वन क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री, ठीक है साइड थ्री, ठीक है ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, तीनों को प्लस। अगर हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड दी है, एक है 12 प्लस दूसरी है 14, तो तीसरी साइड क्या होगी, साइड थ्री क्या होगी, अगर पैरामीटर क्या दिया है ट्राइंगल का 36, तो बस ये आ गया आपका 6 × 2 = 26 प्लस साइड थ्री इज इक्वल टू 36, साइड थ्री इज इक्वल टू 36 माइनस 26, ये आ गया आपके पास 6 × 6 = 10, 10 कितना आ गया 6 × 6 = 10, तो साइड थ्री कितनी आ गई 10, साइड थ्री आ गई 10। पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, ए साइड प्लस बी साइड प्लस सी, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है इसमें 36, साइड एक दी है 12 और दूसरी दी है 14 और तीसरी निकालनी है 36 माइनस 2 ये हो गया आपका 26 इज इक्वल टू सी, तो सी की आ गई आपके पास 10, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 84 क्वेश्चन 84 क्या बोलता है कि द पहला साइड ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड आर 12 मीटर एंड 20 मीटर इफ डिस्टेंस बिटवीन द पहला साइड इज 8 मीटर देन द एरिया ऑफ द फील्ड। देखो ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम होता है इस तरह का, मान लीजिए इस तरह का होता है ट्रेपेजियम, देखो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि द पहला साइड ऑफ ट्रेपेजियम
फील्ड आर 12, मान लो ये 12 है उसका ये है एंड 20 मीटर डिस्टेंस है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और जो पैरेलल साइड एक ये पैरेलल साइड ये दोनों पैरेलल है, ये आपस में ये दोनों पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, ये डिस्टेंस है इसके बीच का 8 मीटर, 8 मीटर। देन एरिया ऑफ द फील्ड, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। देखो इसमें ए क्या है, ए है इसमें ए वाली साइड 12, वन साइड बी होती है इसमें दूसरी साइड 20, ये हाइट होती है 8, एच जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का 8। फॉर्मूले में डालो 1/2 12 प्लस 20 इंटू एच होता है 8, दो चौके 8, 4 कट गया, 12 और 20 आ गया 32, 32 चौके 4 दूनी 8, 8 4 तैम 12, 128, कितना आ गया 128 मीटर स्क्वेयर, 128 मीटर स्क्वेयर आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास ये दिया x प्लस 6 इज़ द फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन का, देन वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें x प्लस 6 है जो उसको जीरो के इक्वल मानो, x इज इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू होगी माइनस 6, इस इक्वेशन में डाल दो माइनस 6 3 प्लस 3 माइनस 6 की पावर 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस p इज इक्वल टू जीरो। देखो p को एक तरफ रखो, सबको छिका छिका 36, 36 छिके 216, ठीक है 216 आएगा ये, चलो मैं इसे पहले यहाँ से सॉल्व कर लूँ, माइनस का 216 आएगा, ठीक है माइनस का 216 आएगा, छिका छिका 36, 36 त्याम 108, ठीक है प्लस 6 चौका 24, माइनस 24, माइनस 24 प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या है, पी को इधर रखो 216 माइनस 108 प्लस 24, ये आ गया, ये आया, ठीक है p इज इक्वल टू 216 को माइनस करोगे 108 से, 8 यहाँ पे आ गया 0, 9, 0 यहाँ पे आ गया 0, यहाँ से लिया 10 तो ये आ गया 108, सॉरी 108, ठीक है 108, 108 आ गया, 108 प्लस 24 प्लस करो 32, 132 पी की वैल्यू आ गई, 132 पी की वैल्यू कितनी आ गई, 132, 132, 132 बी आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है 86, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसको डिवाइड करो x प्लस 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसमें भी x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 को 0 के इक्वल रखो और x का निकाल दो यहाँ से वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू क्या निकल गई माइनस 2, अभी इक्वेशन में डाल दो 4 x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है इक्वल टू 0, इसको 0 रखने की जरूरत भी क्या है, 4 2 दून 4 4 दून 8 माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 3 2 दून 4 प्लस माइनस 2 दून 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 8 चौके 32 माइनस 32 4 तैम 12 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4 44 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा माइनस 49, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 49, इसका रिमाइंडर कितना बच गया माइनस 49, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर, क्या बोल रहा है एवरेज रन स्कोर्ड बाय द 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम इज 60, इफ द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन आर निगलेक्टेड द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय द रिमेनिंग प्लेयर इंक्रीज 5, हाउ मेनी रन वर स्कोर्ड बाय कैप्टन, सिंपल सा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है,
पहले निकालना एवरेज, एवरेज ऑफ रन, एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज किसका है, किसी का भी एवरेज होता है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो देखो एवरेज निकालना है, इसका एवरेज पहले से ही दिया है 60, 60 डाल दो इधर। सम ऑफ ऑल टर्म निकाल लिया हमारे को यहाँ से, सम ऑफ ऑल टर्म, सम निकालना है ठीक है, सम निकालना है, नंबर सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 11 प्लेयर होते तो 11, 60 को गुणा करोगे 11 से तो क्या जाएगा, 660, 660 सम कितना आ गया, 660, 660 ठीक है, इसको रख लो याद, कितना आ गया सम, 660 सम आ गया, 660, 660। अब क्या बोल रहा है ये कि इफ़ द रन स्कोर बाय द कैप्टन आर निगलेक्टेड, अगर कैप्टन के द्वारा निगलेक्ट कर दिया स्कोर हमने, जो उसने स्कोर किया है, तो एवरेज ऑफ रन स्कोर बाय द रिमेनिंग प्लेयर इनक्रीज बाय 6। देखो पहले एवरेज कितना था, 60, एवरेज कितना था 60, और एवरेज कैप्टन के वाले, कैप्टन के जब स्कोर हमने निकाल दिया और सबके जो एवरेज में 6 बढ़ गया, 5 बढ़ गया और 5 बढ़ गया, 60 प्लस 5 हो गया, सम ऑफ ऑल प्लेयर डिवाइड बाय नंबर, नंबर कितना हो गया, कैप्टन हटा दिया 10 हो गया, नंबर हटा दिया 10 हो गया, 6 प्लस आ गया 65 गुणा 10, सम कितना, ये कितना आ गया 650। कैप्टन को निगलेक्ट कर, कैप्टन को हटाने के बाद सम कितना आ गया, 650, और कैप्टन के साथ था 660, जो कैप्टन को हटाने के बाद 650 आया, तो 660 माइनस करोगे 650 से, 660 क्या है, 660 क्या है, कैप्टन के साथ जो स्कोर बना, और जो कैप्टन के छोड़ के स्कोर बना वो बना 650, दोनों को माइनस किया तो कितना है 10, तो कैप्टन ने कितने रन स्कोर किए, 10 रन स्कोर किए थे मतलब, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है 10 बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 88 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज विल 36 मैन टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच 24 मैन टेक 45 डेज टू फिनिश। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, वर्कर इनटू डेज, ठीक है, डेज या टाइम, ठीक है, ठीक है, टाइम लिखो से, टाइम वन, वर्कर्स इज इक्वल टू टाइम इनटू टाइम टू। इसमें क्या है कि जो पहले वर्कर्स है, देखो कितने वर्कर ने कहा, हाउ मेनी डेज विल 36 मैन टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच 24 मैन टेक 48। देखो वर्कर कितने थे, 24 वर्कर थे, टाइम कितना लिया इन्होंने, 48 डे लिया, वर्कर की जगह 24, टाइम की जगह 48। दूसरी बार क्या पूछ रहा है कि वर्कर कितने थे, 36, टाइम कितना लिया, टाइम तो हमें फाइंड करना है, टी टू फाइंड करना है, तो 24 इंटू 48 36, तो 6 चौके 24, 6 का 6 का 36, 6 चौके 24, 6 का 6 का 36, छः जन छः आठ है 48, छः एकम छः छः आठ 48, आठ चौके 24, तो इसका आंसर आ गया 24। तो टाइम कितना दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 36 मैन को कितने लगेंगे, 24 ने 8 चौके 32, कितने दिन लगेंगे, 8 चौके 32, देखो ढंग से देख लो कितना बच गया, 4 इंटू 8 बच गया, तो 8 चौके आ गया 32, आठ चौके बत्तीस ठीक है, 8 चौके 32। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि द वेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, ठीक है, इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज 300 स्क्वेयर मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ। देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, पहले आपको करना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हॉल मान लेनी है, हॉल की लेंथ मान लेनी है, लेंथ, लेंथ मान लेनी है हॉल की, लेंथ, लेंथ ऑफ हॉल कितनी मान ली, एक्स मान लिया मानो आपने, ठीक है, विड्थ, विड्थ आपके पास दी है, विड्थ कितने बोली है रेक्टेंगल हॉल की, 3 विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हॉल इज 3/4 ऑफ द लेंथ, तो 3/4 है लेंथ की, तो एक्स, एक्स क्योंकि लेंथ है, 3/4 है लेंथ की, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 300 मीटर, 300 मीटर स्क्वेयर। तो देखो देखो एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300, क्योंकि एरिया है लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है 3/4 इंटू एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू 300 300, ठीक है 300। तो कुछ नहीं करना है, 3x² 300 × 4, ठीक है 300 × 4, तो ये कितना आ गया x² 300 × 4/3, 300 आ गया, 100 × 4 = 400 आ गया, x² आ गया 400, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20, तो विड्थ कितनी आ गई, विड्थ कितनी आ गई 3/4, विड्थ कितनी थी हमारे पास, हमने कितनी मानी थी 3/4 इंटू एक्स, तो विड्थ कितनी है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो बाहर डाल दो 3/4 इंटू 20, तो आ गया 5 × 20 15 मीटर आ गई विड्थ, और जो आपकी लेंथ है वो कितनी थी एक्स मानी थी लेंथ, और एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो लेंथ आ गई 20, ठीक है लेंथ आ गई, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 20 - 15 5 आ गया डिफरेंस, कितना आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया इसका C 5, ठीक है सी।